हेलो गाइस, हम आ गए हमारी पहली डेस्टिनेशन पे जो है कि हाडी रानी का कुंड। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। गांव का नाम है बाचेड़ा और यहाँ पर ये शालिग्राम जी का मंदिर है। इधर कहीं पे मंदिर भी आपको दिखाएंगे बाद में। तो ये देखिए तालाब भरा हुआ है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम स्नान करते हैं, उसके बाद हाडी रानी का कुंड दिखाएंगे। पहली डेस्टिनेशन पे जो है कि हाडी रानी का कुंड, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तोड़ा राय सिंह के ऐतिहासिक वैभव का साक्षी व अटूट प्रेम की निशानी हाडी रानी का कुंड अपनी निर्माण बेजोड़ता व वास्तुकला के लिए आज भी दूर दूर तक प्रसिद्ध है। कस्बे के निकट स्थित यह कुंड रानी की याद में निर्मित है। करीब 5 बीघा क्षेत्रफल में शिलाखंडों को कलात्मक ढंग से जमवा कर निर्माण कराए गए इस कुंड की बेजोड़ता सैलानियों को आकर्षित करती है। इतिहासकारों का कहना है कि विक्रम संवत 1398 ईस्वी में टोडा के शासक राव रूपल ने बूंदी के देवाहाडा की पुत्री हाडी रानी से शादी की थी। शादी के बाद वर्षगांठ में अटूट प्रेम को यादगार बनाने के लिए उसी संवत में अपने नाम से रानी हाडी ने यह कुंड बनवाया था। किंवदंतियों के अनुसार इस कुंड का निर्माण हांडी रानी की कंचुकी अथवा कांचली के आधे भाग में जड़ित हीरे पन्नों की लागत से कराया गया था। रानी की कंचुकी में जड़ित हीरे इतने मूल्यवान थे
कि उनकी कीमत से इस कुंड का निर्माण हुआ। यह कुंड अपनी अनूठी निर्माण कला के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। इस कुंड में सैकड़ों सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिन पर कोई भी व्यक्ति जिस सीढ़ी से नीचे उतरता है उससे वापस चढ़ नहीं पाता है। कुंड के तीन और ढलान के रूप में भूल भलैया सीढ़ियां हैं। वहीं पश्चिम दिशा में तिबारे निर्मित हैं। ये भूल भुलैया इतनी विशाल है कि कई बार इस पर शर्तें लग जाती हैं। दो मंजिल के निर्मित तिबारों में सात सात दरवाजे तथा करीब दो दो मीटर लंबे छज्जे लगे हैं। तिबारों के नीचे कुंड में झांकती गणेश प्रतिमा लगी है। करीब सात सदी पुराना होने के बावजूद यह कुंड आज भी दृढ़ता के साथ खड़ा है। उक्त स्थल पर प्राचीन काल में लंबी यात्रा के बीच राजशाही बारातों का ठहराव हुआ करता था। प्राचीन कहानीकार विजयदान देथा की कहानी पर आधारित फिल्म पहेली में एक बार फिर विरासत की यादें ताजा हुई। इसमें पहले राजा महाराजाओं का बारातें ठहरा करती थी। इसका फिल्मांकन फिल्मी सितारों की बारातों के ठहराव के साथ किया गया। अटूट प्रेम की निशानी हाडी रानी बावड़ी, यूं तो टोड़ा शासक राव रतन सिंह और बूंदी हाडा राजा की पुत्री से शादी की यादगार में बनवाई गई थी, लेकिन टोड़ा राय सिंह के ऐतिहासिक बावड़ी को फिल्म पहेली से एक नई पहचान मिली। फिल्म जगत में पहली बार बावड़ियों की वास्तुकला से प्रभावित होकर फिल्म पहेली का फिल्मांकन यहाँ हुआ। 5 मार्च 2004 में टोडा राइसिंग स्थित हाडी रानी कुंड पर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान व रानी मुखर्जी अभिनीत फिल्म पहेली के दृश्यों का फिल्मांकन निर्देशक अमोल पालेकर ने किया था। और यहाँ तक आपने देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। कितनी मेहनत करें आपके लिए, दुख में कितना पसीना आ रहा है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स। भैया कभी नहीं छोड़ा, सच मेरा भी ले।